subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and फादर एग्नल स्कूल की छात्रा अमिता कुड़वा ने सब जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड मेडल। ऋषभ दास ने भी जीता खेलो इंडिया खेलों में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। दोनों ही छात्रों ने स्विमिंग चैंपियनशिप में जीतकर फादर एग्नल स्कूल का नाम किया रोशन। ठाणे जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली 10 वर्षीय अमिता कुड़वा ने राजकोट में स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में संपन्न नेशनल सब जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 2 गोल्ड मेडल जीते। अमिता फादर एग्नल स्कूल वाशी की स्टूडेंट है। अमिता फादर एग्नल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल वाशी में फादर एग्नल कोच अमित आवले के नेतृत्व में ट्रेन करती हैं। अमिता ने भी स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने की खुशी जाहिर करते हुए अपने पेरेंट्स और कोच का शुक्रिया अदा किया। I am very happy with my results. It was very tough competition. I did 3 months of hard work. Every day, morning, evening, I used to swim very hard. बहुत proud feel कर रही हूँ। मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। 2 individual gold medals. पर promise करती हूँ कि मैं और medals लेके आऊँगी। इसमें हम मौजूद हैं फादर एग्नल स्पोर्ट्स सेंटर में। फादर एग्नल स्पोर्ट्स सेंटर के स्टूडेंट ने राजकोट से 2 गोल्ड मेडल जीता हुआ है। हमारे साथ उनके कोच जुटे हैं अमित आवले साहब। किस तरह से तैयारी थी जो आपके स्टूडेंट थे और कितने घंटे तैयारी करके आज जो मुकाम हासिल किया है 2 गोल्ड मेडल लाए हुए हैं, कैसे देखते हैं आप और नवी मुंबई को किस तरह से आप? वो अभी फादर एग्नल स्कूल में स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रही है और जिस तरह से उसने खुद को जो स्विमिंग के लिए रेडी किया, उसकी मम्मी ने उसको बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके घर वालों ने सपोर्ट किया, हमारे सर गोकुल जी कामत ने सपोर्ट किया सब चीज़ों में, तो जो आज वो कामयाब हुई है ये उसका कहना चाहूँगा, ये उसका पहला नेशनल्स था और पहले नेशनल्स में उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड था। और उसने जो भी अचीवमेंट ली है वो हमारे लिए, हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए और हमारे ठाणा डिस्ट्रिक्ट के लिए काबिल तारीफ है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 2022 का जो नेशनल्स हुआ है अभी 30th सब जूनियर नेशनल्स, उसमें अमिता कुड़वा ने ही पूरे ठाणे में अकेली लड़की अंडर 11 में 2 गोल्ड मेडल लेके आई है, तो मैं बहुत ही एज अ अमिता का कोच मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। खेलो इंडिया खेलो स्विमिंग चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों ही मेडल जीतने वाले ऋषभ दास ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने कोच का शुक्रिया अदा किया। आई एम वेरी मोटिवेटेड आफ्टर विनिंग मेडल्स एट खेलो इंडिया। आई ट्रेन्ड अ लॉट फॉर दिस इवेंट डिस्पाइट ऑफ हैविंग स्टमक इन्फेक्शन। आई स्टिल मैनेज टू बैग 2 मेडल्स, दैट इज 1 सिल्वर इन 400 फ्रीस्टाइल रिले एंड 1 ब्रॉन्ज इन 200 मीटर बैकस्ट्रोक। मैं यूजुअली एक दिन में 5 hours ट्रेनिंग करता था स्विम और 2 hours ऑफ ड्राई लैंड। आगे अभी नाउ आई एम ट्रेनिंग फॉर दैट इज नेशनल विच इज गोइंग टू हेल्ड इन भुवनेश्वर फ्रॉम 16 जुलाई टू 22nd जुलाई। कॉम्पिटिशन वॉज वेरी टफ बिकॉज आई वॉज कम्पीटिंग विथ अंडर 18, सो बट या आई कुड मैनेज टू परफॉर्म वेल। मैं बहुत खुश हूँ एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू टू फादर एंड स्कूल, the sports complex, my parents and coaches. They have put a lot of efforts in achieving this event. Father Agnel School एक ही ऐसा स्कूल है जो स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देता है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल के बच्चे नेशनल्स में मेडल जीत पाते हैं, ऐसा कहते हुए अमिता कुड़वा और ऋषभ दास की तारीफ की। अगर सच कहूँ तो फादर एग्नल जैसा कोई स्कूल नहीं है जो स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करता है। सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हैं, एक मीन्स ये बच्चे हमारे यहाँ से ही स्विमिंग सीख के ये चैम्पियन बने हैं, ये पहली बात है। और सेकंड बात है कि दोनों बच्चे अमिता कुड़वा जो अभी सब जूनियर में 2 गोल्ड लाई है, ये पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में से अकेली लड़की है जो मेडल ला सकी है, और ऋषभ दास जो खेलो इंडिया में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है वो भी अकेला लड़का है पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में से जो मेडल लाया है। तो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत हमको एक प्राउड फीलिंग होता है,
और दूसरी बात है कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है हमारे कोचेस का, हमारा अमित सर है जो इसने अमिता के पीछे मेहनत किया है, या हमारे जूनियर कोचेस भी है जिन्होंने इन पर पहले मेहनत किया है, तो ये एक अच्छा टीम एफर्ट है और मुझे बहुत खुशी है और आई एम श्योर कि आगे भी हम लोग ऐसे मेडल ला सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदेश रणोसी के साथ पंकज बनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।